Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारका बाई साहिब ने आखिरी स्ट्रोक मार के बाजी अपनी तरफ कर ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स पे। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि इस बार द्वारका पूरे पक्के तरीके से तैयार होके आई है कि मैं ये बाजी जीत के ही रहूंगी। इसीलिए शुरू से लेके अभी तक बहुत सोच समझ के चल रही है। उसको ये पता भी था कि बीच में ये प्रॉब्लम्स आएगी, ना हो जाएगी, मना हो जाएगा, उसको कैसे कवर अप करना है, क्या सोचना है, वो सब उन्होंने सोचा हुआ है। और वही लास्ट मोमेंट पे भी उन्होंने कर दिखाया। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पार्वती और गावड़े साहिब और उनकी माँ खड़े हैं और द्वारका बता रही है कि मना कर दिया है खंडेराव ने शादी से, और ये बात को लेके तीनों दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। यहाँ पे द्वारका जो पहले भी एक बार पिन कर चुकी है गावड़े साहब को कि आप जागीरदार हो, आपके पास बहुत पावर है, आप ऐसे कैसे हार मान सकते हो, उसी बात को और अलग तरीके से वो पेश करती है। वो पेश करती है अपने पति की तारीफ से कि मेरे जो पति हैं वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मगर आप अपनी बात पे अटल रहना, मतलब आप आवाज तो उठाओ। अगर आप यहीं पे आपको पता चला कि शादी नहीं हो रही है, आप टूट गए हो, आप बिखर गए हो, आप चुपचाप चले गए हो कि बड़े सूबेदार जी हैं उनके सामने हम क्या कहें, हो गया ठीक है ये वो सब सोच के आप चले जाओ, तो ऐसा मत करना भाई, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अंदर से तो यही बोल रही थी ना द्वारका। तो उन्होंने इस तरीके से बात को कहा कि ये अहिल्या की गलती है, उसने किया होगा ढोंग अहिल्या ने, जो द्वारका कह रही थी कि मैं मां बनने वाली हूं, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाया होगा इस परिस्थिति का। तो ये सब बातें करके उन्होंने गावड़े साहब को तो भड़का ही दिया। इसलिए गावड़े साहब सीधा मल्हार सरकार के पास चले गए जहां पे खंडेराव पहले से ही मौजूद है। और इधर पार्वती, जिसका अभी द्वारका को भी नहीं पता कि वो क्या करने जा रही है, जो बाद में पता चला, तो पार्वती का भी तीर सही निशाने पे उन्होंने लगवा दिया और अल्टीमेटली खबर ये आई कि मान गए हैं खंडेराव। तो हुई ना बाजी मारने वाली बात, क्योंकि द्वारका के हाथ से तो निकल गई थी। जब खंडेराव ने मना कर दिया तो क्या करेगी? अक्का साहिब ने भी बात नहीं सुनी द्वारका की, उसने बोला कि आप समझाओ, मगर गौतमा ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो अपने बेटे की खुशी के आगे कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ उसकी खुशी ही देखती है। अगर वो मना कर रहे हैं तो उसमें वो वेट एंड वॉच करेगी, मगर पहले नहीं किया। और ये जो चीज है द्वारका की, अब तो उसकी हाथ में आ गई है, पार्वती से खंडेराव की शादी होने वाली है, यही उसका मोटिव था। आगे उसकी प्लानिंग क्या रहेगी, कैसे करना है, वो देखने को हमें मजा आएगा। देखते हैं क्या करती हैं अभी आगे पार्वती के साथ। तो ये तो द्वारका का जीत हो गई है दोस्तों। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.